हेलो दोस्तों, इंटरनेशनल फ्लाइटों की आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय इंटरनेशनल फ्लाइटों से कई सारी जरूरी खबरें सामने आ रही है। तो पहली बड़ी खबर यहां पर सऊदी अरेबिया की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि सऊदी के GSA की तरफ से ये जानकारी दी गई है। सऊदी सरकार ने ये बताया है कि अब उन सभी देशों से ट्रांजिट पैसेंजर सऊदी अरेबिया में नहीं आ सकते हैं जिन देशों के ऊपर अभी भी सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है। आपको बता दें कि भारत भी इस लिस्ट में शामिल है, यानी कि भारत से जो भी पैसेंजर ट्रांजिट फ्लाइटों के माध्यम से सऊदी अरेबिया में ट्रेवल करके जाएगा तो अब वो लोग ट्रेवल करके नहीं जा सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो उन सभी लोगों के लिए अब यहाँ पर अच्छी खबर आ गई है। बता दें कि भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इनके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से एक मीटिंग के दौरान रिक्वेस्ट किया है कि भारतीय स्टूडेंट्स को इस समय ऑस्ट्रेलिया में जाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि इस समय भारत में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइटों के ऊपर लगे पाबंदी के कारण ये सभी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर खुद विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इन सभी स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए जाने दिया जाए। इसके साथ साथ अगली अपडेट यहाँ पर हांगकांग की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि हांगकांग की गवर्नमेंट ने अभी भी भारत को हायर लिस्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है, यानी कि यदि भारत से कोई भी पैसेंजर सीधी हांगकांग ट्रेवल करके जाना चाहता है तो उन लोगों को वहाँ पर 21 दिन कंपलसरी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि हांगकांग के लिए एयर इंडिया कभी कभी रेगुलर बेसिस पर अपनी फ्लाइटें ऑपरेट करती है। तो यदि आप भारत से हांगकांग जाना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया के कॉल सेंटर से कॉल करके इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, जहां से आपको एयर इंडिया की अगली फ्लाइट की जानकारी मिल सकती है। और इसके अलावा कई सारे लोग तो हांगकांग जाने के लिए ट्रांजिट फ्लाइटों की भी मदद ले रहे हैं, यानी कि कई सारे लोग तो पहले भारत से UAE दुबई ट्रैवल करते हैं और उसके बाद UAE से अगली फ्लाइट लेकर वो हांगकांग के लिए ट्रैवल करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगली अपडेट यहां पर UK की तरफ से आ रही है। तो UK की गवर्नमेंट बोरिस जॉनसन की तरफ से एक लेटेस्ट जानकारी शेयर की गई है, जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि वो विंटर सीजन में कोरोना वायरस से जुड़े हुए नए नियमों को लेकर आ सकते हैं। उम्मीद है कि इसको लेकर उड़ानों के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप UK के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अपने ट्रैवलिंग को जल्दी से जल्दी पूरा कर लें, इससे पहले कि UK की गवर्नमेंट अपने नियमों में बदलाव करे। इस समय UK ने भारत से अपनी फ्लाइटों को नॉर्मल बेसिस पर चालू किया हुआ है। तो यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, यानी कि यदि आप फुली वैक्सीनेटेड है, तो भारत से यदि UK ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्वारंटीन में भी नहीं रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई बेहद जरूरी और काम की अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और एयरलाइंस ट्रैवलिंग से आने वाली और भी लेटेस्ट खबरों को यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।